हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन सी ए क्लासेस फाउंडेशन इंटरफाइनल सी ए सी एस में जो भी भैया आप कर रहे हो पढ़ने का क्या तरीका है क्वेश्चंस कितने करने हैं किस हिसाब से करने हैं लिख लिख के देखने हैं बोल बोल के देखने हैं ओ oh. सबसे पहली चीज मेरा मानना है जब आप पहली बार करते हो तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन करो अब उसमें भी मैं क्या कहूंगा फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बार जब आप कोर्स कर रहे हो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है रट्टे मत लगा लेना ठीक है दूसरी चीज लेट पचास क्वेश्चन बहुत होते हैं क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है पचास क्वेश्चन फिफ्टी क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये जो कॉन्सेप्ट समझे लॉजिक समझे 10 क्वेश्चन ओरल ओरल करो क्वेश्चन देखो उसका ओरली आंसर सोचो या रफली लिख के देख लो रफली अगर प्रैक्टिकल है तो थ्योरी है तो ओरल सोचो और फिर बुक में देखो कि जो आपने सोचा वही है या नहीं 10 क्वेश्चंस, 50 में से 10 हो गए अब बीस क्वेश्चन या तीस क्वेश्चन मैं कहूंगा बेसिकली थर्टी क्वेश्चन लिख के देखोगे आप विद फॉर्मेट पूरा फॉर्मेट बना के वर्किंग नोट्स के साथ चाहे थ्योरी है चाहे वो प्रैक्टिकल है अब तीस और दस चालीस हो गए फिर लास्ट में जो दस क्वेश्चन है वो आप थ्योरेटिकली करोगे थ्योरेटिकली फास्ट फास्ट ऐसे करने पचास क्वेश्चन अब आपने करे पचास हैं टाइम तीस का लिया है तो जो तीस क्वेश्चन करे और पहले दस फास्ट आखिरी में दस फास्ट गारंटी देता हूं अब आप तैयार हो वो एग्जाम देने के लिए आहा। अब आपने जब ये फिफ्टी क्वेश्चन किए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो अब आपने वो मार्क कर लिए लेट आपने दस क्वेश्चन मार्क करे दस क्वेश्चन मार्क कर लिए वो दस क्वेश्चन रिवीजन में आपको हाथ से करने बाय हैंड अब जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आपको 30 क्वेश्चंस मैक्सिमम करने, हैं 30 पहले 10 क्वेश्चन फास्ट फास्ट ओरली, रफली फिर 10 क्वेश्चन वो वाले जो इंपॉर्टेंट थे वो और फिर 10 क्वेश्चन फिर से रफली और वो जो इंपॉर्टेंट थे वो आप पूरे फॉर्मेट के साथ सब कुछ करोगे तो सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करते हो 50 क्वेश्चंस किस हिसाब से करने आपको पता चला उसके बाद जब आप रिवीजन करते हो तो थर्टी क्वेश्चंस किस हिसाब से करने हैं आपको पता चला यह तरीका है फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि आपके जो मॉड्यूल में एडिशनल क्वेश्चन बैंक होता है वो आपको नहीं करना हमारी वीडियोज में हमने दो तीन चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चन बैंक कराए वो करना है या फिर बाकी सारे चैप्टर्स में जो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं सिर्फ वही करने बाकी एडिशनल क्वेश्चन बैंक यूजलेस है मॉड्यूल करो एडिशन क्वेश्चन बैंक छोड़ के हाँ जिस चैप्टर का हमने कवर किया है वो करना है और स्कैनर करो इंटर और फाइनल के बच्चों को पता ही है मॉड्यूल और पादुका की बुक आह 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 और करने का तरीका ही मैंने अब बता दिया शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ अब हाँ पांच साल मेहनत कर लो साठ सत्तर साल मजे से जियोगे आने वाली पीढ़ियां भी मजे से जिएंगी। हाँ हाँ चलो जी तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है कमेंट कर दिया करो